See the second definition of integrability. The first definition we have done, जिसमें हमने बात की थी, the oscillatory sum is less than epsilon, then function is integrable. और इससे पहले बच्चों हमने ये बात की थी कि रीमन सम्स क्या होता है, रीमन सम्स के बारे में बात की. रीमन सम्स हमने पढ़ा था कि इसको हम रीमन सम्स बोलते हैं. ये समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, दिस इज कॉल्ड अ रीमन सम. और इससे पहले भी हमने थ्योरम की थी, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन मस्ट बी इंटीग्रेबल फंक्शन. और अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या है. तो दोस्तों, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में आपको यूज़ करना है रीमन सम्स का. तो मान लो अ फंक्शन, इसको मैं सिंपल स्टेट करूँगा, पूरी थ्योरी नहीं लिखूँगा, अ फंक्शन, बिकॉज पूरी थ्योरी आपके पास बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है. अ फंक्शन एफ, ओके, इज इंटीग्रेबल. इस फंक्शन एफ को आप क्या बोलोगे, इज इंटीग्रेबल. ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा, कब होगा और कहाँ होगा, इस क्लोज इंटीग्रेबल ए बी के ऊपर ही फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा. इफ अगर आप इसको ऐसे लिखो, द लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो हो, तो जो आपका रीमन सम्स के ऊपर, रीमन सम्स क्या था, एफ ऑफ एक्स आई आर एंड हैविंग डेल्टा आर, तो इसमें अगर आप नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो ले लो और ये जो फंक्शन की जो वैल्यू आए, ये क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए. ओके, नो डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए. और ये क्या होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फ्रॉम डेल्टा आर एंड इज इंडिपेंडेंट. किससे इंडिपेंडेंट, ऑफ द चॉइस ऑफ द चॉइस ऑफ डेल्टा आर. ओके, और दूसरी चीज क्या है, एक्स आई आर, तो उसका भी आपके पास एग्जिस्टिंग नहीं बचे एंड द पॉइंट एक्स आई आर. और ये किसका पॉइंट है, ये डेल्टा आर का ही तो पॉइंट है, ऑफ डेल्टा आर. ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेबल बोल सकते हैं इस केस में. अब कहोगे सर नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ पी का मतलब सिंपल सोचो ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल. तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल आप जीरो कर रहे हो, तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आप इसको ऐसे लिखो, द लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि वो जो आप सब इंटरवल्स लोगे वो इनफाइनाइट टाइम तक छोटे होते चले जाएं, तभी तो वो आपका जो लेंथ है वो आपकी टेंस टू जीरो होगी. तो आर इज इक्वल टू वन टू एन था, यहाँ भी आपका सॉरी आर इज इक्वल टू वन टू एन है, और अंदर वैल्यू वही रहेगी, एफ ऑफ एक्स आई आर इन टू डेल्टा आर. तो बेसिक चीज को ना आप इतना समझिए बस इसमें से, कि जी हम इस जो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी का यूज़ करने वाले हैं, और पहले हम यू एफ पी एल एफ पी को यूज़ करते, अब हम इसको यूज़ करेंगे कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होगा तो उसमें आप लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लोगे और इस एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर को समेशन को एन टेंस टू इनफाइनाइट लोगे और ये फाइनाइट वैल्यू आ जाए, यानी कि नॉन इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा आर और इससे रहे और कोई ना कोई एग्जिस्ट वैल्यू करे, तो डेफिनेटली फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा. ओके, तो लेट्स सी द सम एग्जांपल्स फ्रॉम दिस, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.